दोस्तों ये है करणी माता का वर्ल्ड फेमस का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, वीडियो को पूरी देखें, करणी माता का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। हेलो गाइज, मैं हूँ MS राज पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फन एट डिजर्ट। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो करणी माता का विश्व विख्यात मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। मंदिर बहुत ही भव्य है, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ करणी आपका जीवन खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का अंदर का पूरा नज़ारा। बहुत ही सुंदर माँ करणी का मंदिर। इस मंदिर में करीब 20,000 चूहे रहते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो है, पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए। मंदिर में जाने का ये मुख्य रास्ता है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर पक्षी चुगत उठते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार पर सिंह की मूर्ति। मंदिर का मुख्य द्वार है, पूरा चांदी से बना हुआ है। पर जाली लगी हुई है जिससे कोई पक्षी चूहों का शिकार ना कर पाए। यह मुख्य मंदिर का नज़ारा है जहाँ माँ करणी विराजमान है। Thank you.
दोस्तों, ये है माँ करणी का अंदर का मुख्य मंदिर, जहाँ आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये भव्य प्रतिमा माँ करणी की पुजारी जी आरती करते हुए, श्रद्धालुओं की भीड़, यहाँ किसी भी समय आओ हमेशा भीड़ रहती है। ये देखिए आप, चूहा पानी पी रहा है, चारों तरफ चूहे चूहे नजर आएंगे आपको। अगर आप भी कभी देखना चाहो तो मंदिर परिसर में बहुत ही ध्यान से चलना, क्योंकि फर्श पे हर तरफ चूहे चूहे होते हैं, तो देख के चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये चूहे इंसानों से डरते नहीं हैं, कभी आपके पैर पे चढ़ जाएंगे, कभी जेब में भी घुस सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी खूबी है इस मंदिर की कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर परिसर में आपको चूहों की बदबू नहीं आएगी, ना ही बहुत ज़्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। ये सब माता रानी की कृपा से ही संभव होगा। इन चूहों को आप हाथ से छू भी सकते हैं, जैसे मैं छू रहा हूँ। ये बिल्कुल भी डरते नहीं इंसानों से, बहुत ही फ्रेंडली है। जहाँ नज़र डालोगे वहाँ आपको चूहे चूहे दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं मंदिर में भक्तों की भीड़। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, दोस्तों के करणी माता के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हो। क्या आपको पता है देशनोक में करणी माता का एक नहीं बल्कि दो मंदिर है? दूसरा मंदिर है उसको नेडी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर भी इतना ही भव्य है, उसके अंदर भी हजारों चूहे रहते हैं। वो मंदिर इस मंदिर से भी ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन कुछ लोकल लोग या आसपास के इलाके के लोग भी उस मंदिर के बारे में जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, जल्द ही वो मेरे यूट्यूब चैनल पर होगी। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, माँ करणी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेगी। चलते हैं अब मंदिर परिसर से बाहर, आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ मंदिर में प्रसादी और सवामणि की व्यवस्था भी है।
ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर एक सफ़ेद रंग का चूहा है जो किसी भाग्यशाली को ही दिख सकता है। दूध की परात है जो चूहों के लिए रखी गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इतने नेक्स्ट वीडियो में।